यूपी में आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से है, जहां एक 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मृत बच्ची की मां के मुताबिक वो सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल के बाद घर नहीं पहुंचने पर जब घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो बच्ची का शव गाँव के ही एक खेत में मिला। मैं गई पैदल पैदल, मोटे मास्टर ने मना कर दी, लड़की यहाँ ना आई। फिर पास बारे गांव के 30-40 आदमी फोन करे, जी हमारी लड़की यहाँ ते अपहरण है गई है, ढूंढवाओ। वो सब रे ढूंढने लगे बाजरिन में, धानन में, लालपुर के पास बार गांव लालपुर है। अब ढूंढने लगे, एक जो ढूंढने बार हो वही बोलो, बहन जी ये रही तुम्हारी लड़की। मैं बोली भाई साहब आप, मेरी लड़की ठीक तो है? भाई साहब मेरी लड़की ठीक तो है? ओ भाई साहब झट रोने लगो, पैर तमाम दल जुड़ गए बोते रे। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना पाकर अलीगढ़ के एएसपी अपनी टीम समेत मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। हालांकि शुरुआती जांच में बच्ची के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हमें लगभग दोपहर के 2 बजे सूचना मिली कि किशनपुर निवासी 8 वर्षीय बालिका रूबी, जिसके पिता का नाम संजय है, वो घर से कुछ दूरी धान के खेतों पर मृत अवस्था में मिली है। हमने जब जांच की तो पाया कि धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और वो जो 8 वर्षीय बालिका रूबी है वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली है। हमने जब बॉडी को देखा तो प्रथम दृष्टया हमने पाया कि बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान देखे गए हैं। साथ ही मासूम के साथ हुई इस घटना से इलाके के लोगों में बेहद आक्रोश है। गुस्साए लोगों और बच्ची के परिजनों ने जल्द से जल्द इस मामले की जांच करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाले इस राज्य में इस बेटी को कब तक इंसाफ मिलता है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही वीडियो को लाइक करें और राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।